आज सेकंड सेमीफाइनल खेला जा रहा है। फर्स्ट सेमीफाइनल के विनर भारत, तो फाइनल में वेट करिए आज की टीम का। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका है हेड टू हेड। कोलकाता में ये मैच शुरू होगा 1:30 में। एंड टॉस अपडेट ये है कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करने का डिसाइड की, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। एंड मतलब मौसम भी आज शायद फेवर में हो या ना हो, बट कोलकाता में हल्की बारिश भी हो रही है। आज भी बारिश की पेशगोई है, मगर रिजर्व डे है, और कल भी बारिश की रिजर्व डे भी बारिश की पेशगोई हुए। बट इन केस अगर दोनों दिन वॉश आउट हो जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका विल गो थ्रू टू द फाइनल अपनी रन रेट की वजह से। बट कैन साउथ अफ्रीका डू दिस, मतलब वो चोक करेंगे या नहीं करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज के मैच पे हम लोग अपनी नजर डालेंगे। एंड ऑफकोर्स पाकिस्तानी अफेयर्स पे जो कुछ हो रहा है, आप सो के उठते हैं सुबह, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सो यस, न्यू कैप्टन्स एंड न्यू मैनेजमेंट, बहुत कुछ बातें हो रही हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनाने जाने का इम्कान है। दीज आर जस्ट न्यूज़, मगर वी गॉट द राइट पीपल फॉर दैट। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, जिन्हें ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक हमारे साथ आएंगे। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याही हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले भट्टी साहब आपके साथ आते हैं। काफ़ी हेडलाइंस आजकल हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। सो क्या कुछ हो रहा है कोचिंग स्टाफ के हवाले से? आई मीन क्योंकि इतने जल्दी फैसले हो रहे हैं, अब लग रहा है कि आज और भी हमें अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल फातिमा, मज़ीद कुछ अनाउंसमेंट्स बाकी हैं। देखें, तब्दीली हो गई, अनाउंस भी कल पीसीबी ने कर दिया, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखें पीसीबी का, कि नजम सेठी की जो पुरानी मैनेजमेंट थी, उसने जब मिकी आर्थर और सरफराज का जो एक सेटअप था 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, जब एहसान मानी आए तो उनको हटा दिया। फिर एहसान मानी जब हटे, रमीज़ राजा आए, तो उन्होंने रमीज़ राजा ने एहसान मानी के जो वकार यूनुस और मिसबा उलक थे उनको फारिग कर दिया। फिर हमने एक और टर्न देखा, जब दोबारा नजम सेठी बने तो नजम सेठी मिकी आर्थर को ले आए और पूरा कोचिंग स्टाफ चेंज हो गया। अब ज़का अशरफ साहब आए हैं, तो ज़का अशरफ साहब ने कल एक मैसिव चेंज किया। और ये मेरे ख्याल में, मैंने जो रिकॉल किया, मुझे सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद पड़ता है, 2003 में जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में हार के आया था, उसके बाद पूरे कोचिंग स्टाफ, कप्तान, मैनेजर, तो ये वो एनालिस्ट मैं भी था जी, सिकंदर बख्त साहब भी उसमें थे, इनको भी फारिग कर दिया था। तो ये वो तब्दीली है। देखिए, तब्दीली हो गई, अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट को उससे फ़ायदा हो। लेकिन ज़का अशरफ साहब के पास अब 2.5 महीने का टाइम है, तो क्या 2.5 महीने बाद, जब इलेक्शन भी करीब आ जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, नया पीसीबी सेटअप आएगा, फिर ये लोग कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? हमारा सिस्टम असल में बहुत वीक है, जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे तो इस तरह के आइंदा भी वाक़यात होंगे। मेरा ख्याल अगर ये लोग आएँ तो टर्म तो मिकी आर्थर और उनके कोचेस की भी 2 साल की थी जी, लेकिन कल उनको उन्होंने हटा दिया। तो अब देखना ये कि ये लोग जो जिनको कल इन्होंने रखा है, ये कितना आगे जाते हैं और कितनी पीसीबी की नई मैनेजमेंट जो है इनको साथ लेके चलती है। अगर आप लोग सबने देखा भी होगा, आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे न्यूज़ के, पीसीबी ने बोला है कि उन्होंने चेंज कर दिया पोर्टफोलियो ऑफ द पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ, और सब कोचेज वो कंटिन्यू करेंगे काम अपना नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। और ऑफकोर्स अब हमें वेट करें कि न्यू कोचिंग स्टाफ पीसीबी कब अनाउंस करेगा। एंड जहाँ तक बातें चल रही हैं, दैट इट विल बी मतलब हमारे पाकिस्तान से ही उनका कोचिंग स्टाफ का ताल्लुक होगा। सो नो गैर मुल्की कोचेज फॉर नाउ, जो ये हमें बातें सुनने को मिल रही है। बट सिक्को, जो हम लोग सब पॉजिटिव बात कर रहे थे अबाउट दिस, आई नो द चेंजेस आर नेवर गुड फॉर एनीबडी, बट समटाइम्स चेंज इज ऑलवेज गुड। और मैं बाबर की बात कर रही हूँ कि क्या बाबर फ्लरिश करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर से कैप्टेंसी का ये बोझ हट जाएगा, क्योंकि T20 कैप्टेंसी भी उनको ऑफर की गई। ही सेड आई डजंट वांट टू डू, ही डजंट वांट टू बी अ कैप्टन, बट उनकी अपनी पर्सनल, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट का करूंगा तो मैं T20 का भी करूंगा, शायद ये कहा था, बट उन्होंने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट्स में करना चाहता हूं, वरना मैं बना नहीं कर। लेकिन एक बात देखें फातिमा, उसको थोड़ा और अगर बड़े कैनवस में देखें, बाबर आजम जब पीसीबी चेयरमैन से मिल रहे हैं लाहौर में, उस वक्त तो शान मसूद को पीसीबी बुलवा चुका था इस्लामाबाद से, वो भी लाहौर पहुंच गए थे। इसका मतलब पीसीबी को भी पता चल चुका था, उन्होंने भी माइंड मेकअप कर लिया था कि, और जो मेरी सोर्सेज बताती हैं कि 6 से 7 दिन पहले शान मसूद को बता दिया गया था कि आप पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान। सही है, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट बाबर, आप सही कह रहे हो, मेरे भी ये आइडिया था कि बाबर जो है रिलैक्स रहे, बहुत दुनिया का बड़ा प्लेयर है, हर कोई उसको मानता है,
और उसने बगैर किसी शक के नंबर वन रहा है, हर चीज़ है उसके। तो अब वो जब कोहली कर सकता है, मैं तो बार बार उसकी मिसाल, सब सचिन कर सकते हैं तो वो भी करे, अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करे, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े उसने 50-100 किए और आप भी तोड़ें, दिखाएं अपनी क्लास दिखाएं, हम सब ये कहते हैं आप अपनी क्लास दिखाएं। कप्तानी करना कोई एक तो सर पे मुसीबत है, सारे वक्त आपके ऊपर प्रेशर, आपसे सवाल जवाब, आपसे सवाल जवाब, बैटिंग करेंगे आपको कोई सवाल जवाब नहीं, आपने जाके अपने रन्स कर दिए, ख़त्म हो गई बात, आप आराम से चिल करें, कमरे में आएँ, दोस्तों से मिलें, फैंस से मिलें, जहाँ जाना है जाएँ, पार्टी करें, आपके पास प्रेशर नहीं होगा, कप्तानी का हर वक्त प्रेशर होता है। एनीवे मैं समझता हूँ कि उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी टेस्ट की कप्तानी, और T20 के अंदर अगर शाहीन को बना रहे तो खेलने में कोई हर चीज़ नहीं था, आप जाके वहाँ परफॉर्मेंस देते, लोग खुद ही चीखे मारते कि वो बाबर को वापस लेके आओ या व्हाटएवर, उनको मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेना था। ठीक है, चले, वो दैट्स हिज पर्सनल रीजंस एज वेल। एंड रज़ाक, आपसे हम पूछेंगे कि दिस में मतलब एज अ फैन आई वांट टू नो कि अब क्योंकि बाबर इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इतनी उनकी हुहा है, मतलब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद वो कप्तानी से रिज़ाइन कर देते हैं, तो टीम में फिर कैसा माहौल होता है व्हेन यू हैव समवन वेरी न्यू कमिंग इन, आप टीम में हिस्सा रह चुके हैं, कैसा होता है बिहेवियर, क्या कुछ होता है, दिस इज समथिंग मुझे बहुत इंटरेस्टेड है यू नो जानने में। देखिए फाता, पहली बात तो ये कि बाबर को वर्ल्ड कप में ही जब ये हारे थे आखिरी मैच से इंग्लैंड से, तभी इनको कह देना चाहिए था कि जी मैंने कप्तान तीनों फॉर्मेट से मैंने रिजाइन कर दिया, पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मशवरा देते हैं और मेकअप माइंड करते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, मैं टी वी पर कह दूंगा तो आपकी कप्तानी रहेगी, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए कोई भी दुनिया में अगर जब से क्रिकेट शुरू हुई है, पाकिस्तान की टीम हो या इंग्लैंड की हो या इंडिया की हो, कहीं किस मुल्क की भी हो, आप अगर परफॉर्म नहीं करते, टीम अच्छा नहीं खेलती, तो या कुछ प्लेयर होते हैं खुद रिज़ाइन कर देते हैं, कुछ सोचते हैं कि जी मुझे निकाला जाए, जब निकालने की बात आती है तो फिर ये रिज़ाइन का सोचते हैं, ये चीज़ें चलती ही आ रही हैं, तो ये इतना होना चाहिए। बाबर हमारे पाकिस्तान के नंबर वन प्लेयर हैं, पूरे वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर हैं, तो एज ए प्लेयर भी क्रिकेट होती है, जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो पहले आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जी मैं पाकिस्तान टीम में कैसे आऊँ, उस वक्त आपको रात को नींद नहीं आती कि मैंने पाकिस्तान टीम खेलना है, पाकिस्तान टीम में खेलना है, जब आप खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी मैंने परफॉर्म कैसे करना है, परफॉर्मेंस के बाद जब आप नंबर वन पे चले जाते हैं, फिर कप्तानी मिलती है, तो फिर आपको ये चीज़ सारी भूल जाती है। तो प्लेयर वही होता है जो अपना पास्ट याद रखता है, ये क्रिकेट वैसे की वैसे ही रहेगी, इसमें बदल नहीं जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस, आपने भी परफॉर्मेंस देनी है, फिटनेस ठीक रखनी है, टीम को मैच जितवाने हैं, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हर प्लेयर की सोच ऐसी होनी चाहिए, हम बहुत ज्यादा आगे की सोचना शुरू कर देते इसलिए हमारा वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बाबर वर्ल्ड कप में ही रिजाइन दे देते तीनों फॉर्मेट्स में, तो ये इनकी ग्रेटनेस थी, ये इनके लिए और बड़ा अच्छा था। इन्होंने फिर चांस लिया कि शायद हो सकता है कि जी मेरी मीटिंग हो, मैं कोई बात करूं, शायद वो मान जाए, हालांकि इन्होंने 2-3 हफ्ते पहले सारा प्लान कर लिया हुआ था, इन्होंने चीफ सेलेक्टर भी पहले बना लिया हुआ था, कप्तान भी पहले बना लिया हुआ था, सारी चीज़ें इनकी प्रिपेयर थी, पर इनको भी फाइनलाइज नहीं किया हुआ था क्योंकि माइंड इनका बन चुका हुआ था, और फिर ये फॉर्मेलिटी होती है कि इसको बुला लें, इसको बुला लें, ये सारी चीज़ें सियासत की नज़र होती हैं, और हम भी समझते हैं क्रिकेट बोर्ड में ऐसा ही होता है, क्योंकि आप बड़ी जिम्मेदारी होती है एज ए चेयरमैन कि आपने डिसीजन लेने होते हैं, तो आप पहले ही फारग नहीं बैठते। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, बाबर को अब एज ए प्लेयर खेलना चाहिए और प्लेयर की नज़र से भी देखना चाहिए, जैसे ये पहले टीम में आए थे और अब मैं समझता हूँ ज़रा इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होगा, पहले प्लेयर थे फिर कप्तान हो या फिर प्लेयर, तो अगर ये परफॉर्म करते हैं टीम के लिए अच्छा खेलते हैं और जैसे कोहली खेल रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा, कप्तानी फिर आ जाएगी, कप्तानी तो कहीं भाग तो नहीं रही। ठीक है, आपका सवाल था ना तुम्हारा कि अगर जब कप्तान बन के दोबारा ड्रेसिंग रूम में जाते तो क्या होता है, ऐसे भी मौके आए जब मैं टीम के साथ था तो उस वक्त 3 कप्तान थे उधर, वसीम अकरम आ गए थे वर्ल्ड कप में, वक्कार यूनुस थे, राशिद लतीफ शायद बाद में बना था, जी हाँ बाद में बना था, मतलब ये 2 थे, और सईद अनवर रह चुके थे, पर 3 हो गए, इंजमाम भी बाद में बने, वो भी बाद में, 3 कप्तान थे उस वक्त वहाँ मौजूद ड्रेसिंग रूम में।
तो सब अपनी जगह दोस्त होते हैं, सब अपनी तरफ बातें कर रहे होते हैं, पीछे क्या कर रहे होते हैं ये नहीं पता। नो, माय क्वेश्चन वाज मोर लाइक आर दे वेलकमिंग टू द न्यू कैप्टन, बिकॉज़ होता है कि यू नो बाबर के साथ थे, आई डोंट नो, दिस इज समथिंग आई वांट टू नो एज अ फैन कि क्या कुछ होता है। कुछ नहीं होता, सब वापस जेलन हो जाते हैं, जेलन हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और आप रन्स करना शुरू कर दो, खत्म बात, आप तो फिर हीरो हो जाते। ठीक है, एनीवे क्योंकि हम लोग आज सेमीफाइनल की भी बात करनी है जिसके लिए हमने शो किया था, बट क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला इतने चेंज होते रहते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। यस, एक लास्ट सवाल हम पूछेंगे एंड देन वील जस्ट मूव ऑन टू द मैच। एंड याया, वो ये था कि कोचिंग स्टाफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आप पे आपके पास क्या खबर है, एंड सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी कोई अपडेट है तो हमें दे दें। फातिमा, अब तक जो खबरें हैं सिर्फ वही खबरें हैं और उसके अलावा सारी ख्यास आराइयाँ हैं। और जब बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में फ़लाँ खिलाड़ी गया मिलने के लिए, फ़लाँ खिलाड़ी गया, तो मशावरत मैंने पहले भी कहा था, कोई मशावरत नहीं हो रही, सिर्फ रोल डिसाइड हो रहे हैं किसका क्या रोल होगा। और अब रोल डिसाइड हो गए हैं और मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज जो जिम्मेदारियां लेंगे वो अपनी टीम खुद डिसाइड करेंगे। इवन सुहेल तनवीर जो इस वक्त जूनियर टीम को सेलेक्ट करना है, पहली टीम को वो सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका कहना ये है कि मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन एशिया कप जो आइंदा साल की शुरुआत में होगा उसके लिए वो टीम सेलेक्ट करेंगे और अपनी टीम भी बनाएंगे। और सिर्फ एक मुख्तसर बात करना चाहूँगा, आप बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ये कराची किंग्स की टीम नहीं थी, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी। आपने 8 मैचों में 10 मैचों में एक मैच जीता, आपको पता था, नवश्ते दीवार पढ़ लिया था कि आप अगली बार कप्तान नहीं होंगे, तो आपने टीम तब्दील कर ली, आप पेशावर जलमी में कप्तानी करने के लिए चले गए। एडवाइज़र आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एडवाइज़र जिस तरह अब्दुल रजाक बात कर रहे थे, बाबर आजम को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि पाकिस्तान की जो अगली टेस्ट सीरीज़ है वो 10 महीने के बाद है, तो उनको थोड़ा सोझबूझ से काम लेना चाहिए था। अगर क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफर कर रहा था कि आप टेस्ट टीम के कप्तान रहें, तो उनको जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, लेकिन अचानक उन्होंने जो है वो हर चीज़ को छोड़ दिया है और अब नया सेटअप है। और शायद उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मोहम्मद हफीज़ उनके हवाले से खासे वोकल रहे हैं, अब वो डायरेक्टर क्रिकेट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बाबर आजम को अंदाज़ा हो गया होगा कि अब उनके पास फ्री हैंड नहीं होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज बनेंगे, वो बाबर आजम को फारिग करने की बात कर चुके थे 2 दिन पहले, तो बाबर आजम को अंदाज़ा हो गया होगा कि अब मुझे फ्री हैंड नहीं मिलेगा, जब फ्री हैंड नहीं मिलेगा मुझे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तो अब तक तो उन्होंने काम नहीं किया था। और यहाँ पर मैं कौमी टीम के साबिक कप्तान, साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा, जिन्होंने एक साल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो खेलवाड़ किया वो तो किया, अब बाबर आजम के हवाले से भी जो कुछ उन्होंने किया, उनको इतना फ्री हैंड दिया, उनको यहाँ तक लाने में रमीज़ राजा ने बड़ा किरदार अदा किया। और अब रमीज़ राजा कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स को होना चाहिए, तो अब आए हैं क्रिकेटर्स, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा हैप्पी हैं। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि चीज़ों को चीज़ों की तरह ही लेना चाहिए। और अब ये जो क्रिकेटर्स आए, इससे पहले ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं आए थे, बातें कर रहे थे, पहली बार इनको मौका मिला है, देखें जो बातें कर रहे थे उस पर अमल करते हैं नहीं करते। एक बाबर के लिए मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ बाबर से, मैंने ये सवाल यहाँ पे कई दफ़ा किया था कि कराची किंग में वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, मगर कराची किंग में एज अ प्लेयर खेल रहे थे, एज अ कैप्टन नहीं खेल रहे थे, 1 साल या 2 साल भट्टी साहब? 2 साल। मैं उस पर बार बार कह रहा था यार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं है कराची किंग का, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया कि मैं कराची किंग छोड़ के जा रहा हूँ, 2 साल लिए उन्होंने फिर उसके बाद गए, तो ये भी एक सवाल है उनके लिए। फातिमा, एक और मैं छोटी सी बात करूँ जी, शान मसूद को आपको याद होगा अप्रैल में जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी, पाकिस्तान वनडे टीम का वाइस कप्तान बनाया था और बाबर आजम और शाहिद आफरीदी उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने 2 मैचेस में वाइस कप्तान को खिलाया नहीं, तीसरे मैच में खिलाया, वो कुछ कर नहीं सके। तो ये मतलब अब इनके जो पास्ट के मामलात हैं उनको किस तरह आगे पीसीबी लेके चलता है, इसलिए मैंने वो पहले सवाल पूछा था, क्योंकि ये सब हिस्ट्री भी है साथ। खैर, एनीवे वी होप फॉर द बेस्ट और हम लोग होप करते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट खेले और अच्छे सिस्टम के साथ हम आगे जाए, इट्स नेवर द कैप्टनसी, इट्स ऑलवेज द सिस्टम, वो चेंज हो। हाँ, बन तो जाए, क्या बन गया, नया सिस्टम बने, चले बन जाए, ये सिस्टम नहीं है, ये चेंजेस हैं। हाँ, दीज आर द चेंजेस, डोमेस्टिक का है और पूरा स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल टूटा, ग्रास रूट पे जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन वो उस पे हम वेट करेंगे। एनीवे, लेट्स कम बैक टू वर्ल्ड कप, बस ये बहुत सारी बातें हो गई। सो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दूसरे सेमीफाइनल में, हमारे एनएस पी हमें बताएंगे, बट जस्ट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट नंबर्स। कोलकाता में तो मैच शुरू होगा कुछ ही देर में, बट जस्ट लुक एट द नंबर्स के दोनों के हेड टू हेड यू नो कितने सामने हुए हैं ओडीआईज में, 109 मैचेस के लिए गए, एंड एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बड़ा अपर हैंड नहीं है साउथ अफ्रीका, सो द वेरी इक्वल देयर, 55 मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। सो लेट्स सी क्या इस क्रूशल मैच में
साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो खेला सॉरी ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है उस पर कौन जीत ले लेगा। एंड ये क्या हम लोग देख रहे हैं अब स्टार्ट्स वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने 7 मैचेस के लिए 3 साउथ अफ्रीका एंड 3 ऑस्ट्रेलिया बराबर ओ दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। बट लेट्स कम टू द मैच एंड आई थिंक भट्टी साहब आपको क्या लगता है वैसे आज के मैच का आई मीन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फायर पावर लेट उन लोगों ने फ्लाइट पकड़ी आगे आगे साउथ अफ्रीका ने शुरू में बहुत ज़बरदस्त खेला और बीच में उनका भी थोड़ा डाउनफॉल आया। सो आपको लगता है दोनों बड़ी सिमिलर टीम्स हैं अभी इस वक्त सिचुएशन वाइज? मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरू में 2 झटके खा लिए उसके बाद आप देखें 7 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि वो एक बार टेक ऑफ की पोजीशन पे आ जाए तो फिर उसको हराना बहुत मुश्किल है। और साउथ अफ्रीका आपको याद है चौकर्स के लिए इसलिए मशहूर हैं कि बड़े मैचेस में साउथ अफ्रीका हमेशा चौक कर जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त जिस तरह रिदम पकड़ रही है और जिस तरह उसने अफगानिस्तान को हराया उस दिन मुंबई में, मेरा ख्याल वो नाकाबिल यकीन चीज़ थी और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना मुश्किल है और शायद ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम होगी जो फाइनल में अगर पहुँचती है तो इंडिया को टफ टाइम देगी। यू नो मैं किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ ऑस्ट्रेलिया चेस करने के लिए, आई गेट वेरी एक्साइटेड जब ऑस्ट्रेलिया चेस करे क्योंकि हमने बड़े ज़बरदस्त उसकी तरफ से चेस देखे हैं। सो इंटरेस्टिंग होगा, हम बाकी एनालिस्ट से भी बात करेंगे इस मैच की बाय द वे, साथ साथ मैच भी अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पर आपको पता है कि हम लोग हर शो में आपको बताते हैं कि स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। हर रोज़ हम आपसे सवाल पूछते हैं, तो कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसके विनर भी अनाउंस करेंगे, बट पहले सवाल दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में 23 सेंचुरी स्कोर की एंड ऑस्ट्रेलियन ही प्लेयर है, यस ग्लेन मैक्सवेल। सो दैट वाज़ द करेक्ट आंसर और विनर है सिकंदर हयात। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शेखपुरा से उनका ताल्लुक है। नहीं सिको आप नहीं अच्छा। हम इन वाले सिकंदर की तस्वीर नहीं दिखा रहे हम लोग। हाँ अच्छा चले तस्वीर हमारे पास नहीं है, वरना सिक्कू ले लेते ये मोबाइल। बट एनी वे यू कैन ऑल्सो विन अ स्मार्टफोन और आज से आपका सवाल देख लें, बिग स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। वर्ल्ड कप में किस साल 14 टीमों को शामिल किया गया, ठीक है? सो वर्ल्ड कप में किस साल 14 टीम्स को शामिल किया गया। एनीवे सो जो भी विनर अनाउंस होंगे हम आपको बताएंगे कल। एनीवे चले अब रजाक आपके पास आते हैं और आज के मैच के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग यू नो साउथ अफ्रीकन कैप्टन खुद कह रहे हैं मैं 100% फिट नहीं हूँ, तो स्पिन से भी काफ़ी बेचारे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बट हाउ डू यू सी दिस मैच? कौन कह रहे हैं? हेलो जी, हम मैं साउथ अफ्रीकन कैप्टन की बात कर रही हूँ, वो कह रहे थे अभी टॉस के वक्त कि मैं खुद 100% फिट नहीं हूँ। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आज रेस्ट करते ज्यादा बेहतर होता और एनीवे वो खेलना तो कैप्टन तो खेलना तो है। और ये आज उन्होंने बड़ी अच्छी की चेंज की मैं समझता हूँ, उन्होंने तबरे शमसी को जो टीम में डाला है ये हो सकता है इनका ये ट्रम्प कार्ड हो और जिस तरह की पिचेस बिहेव कर रही है हो सकता है यहाँ पे स्पिनर ज्यादा कामयाब हो और हमने कल भी देखा है। तो ये अगर ये रेस्ट कर लेते आज मैच ना खेलते अनफिट का कह देते कि जी मैं अनफिट हूँ तो ये साउथ अफ्रीका टीम और स्ट्रांग हो जाती क्योंकि ये बबुमा वैसे भी बड़ा स्ट्रगल करते हैं स्पिन के खिलाफ, मगर मुझे ये पता है कि अभी ओवरकास्ट कंडीशंस में जब ऑस्ट्रेलिया अभी बॉलिंग कर रही होगी तो वो भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्या स्विंग मिलेगी या नहीं देखना पड़ेगा। हाँ देखे हमने कल भी मैच देखा है और चेजिंग में भी कोई प्रॉब्लम इतनी नजर नहीं आ रही थी जिस तरह के शुरू में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो रात को जिस तरह इंडिया के बॉलर ने बॉल मूव किया और एक नॉर्मल बॉल आ रहा था और ये कि अब साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ा अच्छा टोटल करना पड़ेगा, पर यह कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है और ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा राइट है क्योंकि कंडीशन जैसी भी हो डिपेंड करता है कि पिच कैसी है, ये फ्रेश पिच आई है इस पर मैचेज पहले हो चुके हैं, ठीक है सिकू। एंड यू नो आई थिंक साउथ अफ्रीका थोड़ा सा इस बात पर रिलैक्स होगी कि उन्हें टॉस जीत ली एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, वाज अ गुड डिसीजन। देखें यहाँ पे कलकत्ता में वो इंडिया से खेले थे और इंडिया ने 326 रन किए थे और वो खुद 83 पे आउट हो गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे कोई मैच नहीं खेला। साउथ अफ्रीका ने एक मैच खेला है उसमें वो 83 पे आउट हो गए थे, तो ये तो उनके लिए एक वो है कि इंडिकेशन के जी यहाँ पे उनको पता होगा। दूसरा एक मैच था जिसपे 300 हुए वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का था जहाँ इंग्लैंड ने 337 किए,
उसके अलावा यहाँ पर किसी ने टीम ने भी जो है ना 250 से ऊपर नहीं रन किए। नीदरलैंड ने 229 किए, बांग्लादेश ने 204 किए और उसके उससे ज़्यादा किसी ने किए नहीं। पाकिस्तान वो मैच जीत गया था, तो दो मैचों में तो 200 रन हुए हैं और दो मैचों में 300 रन हुए। मगर जो सबसे ख़तरनाक मैच था साउथ अफ्रीका के लिए, जो ख्वाब ड्रोना ख्वाब था, वो इसी ग्राउंड पे हुआ था जब वो 83 पे आउट हुए। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो सम प्रेशर ऑन साउथ अफ्रीका, बट मोस्ट ज़्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी होना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो ख्वाब था ना फातिमा, वो था नीदरलैंड का मैच। हाँ, ड्रोना ख्वाब, ड्रोना ख्वाब, वो भी हार गए। एनीवे